झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के यहां से 300 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बरामद हुई है। कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ पुतला दहन किया। बताया महिम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाएंगे और भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी की गारंटी काम आएगी। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद के जिस प्रकार से 200 नहीं करोड़ की गिनती बढ़कर 300 करोड़ हो गई है, 300 करोड़ की धनराशि एक सांसद के घर बरामद होना यह कितनी बड़ी बात है। यह कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके जिन भी प्रदेशों में इनकी सरकार है और पूर्व में जब केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है और जहां अब हमारे देश आज ईमानदार नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उन्होंने भ्रष्टाचार पे चोट की है। जिस प्रकार से आज एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम करके भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रही है, आज इसी क्रम में 300 करोड़ एक सांसद के बरामद